Hello everybody, welcome back to my channel Education Panacea. My name is Bhavan Pratap. So guys, जो last video मैंने आपके साथ बनाई थी, इसमें मैंने आपके साथ Code on Wages 2019 का payment of bonus का provision discuss किया था, जिसमें section 26 से लेकर हमने section 41 तक discuss किया था। तो अगर आपने मेरी videos अभी तक नहीं देखी हैं Code on Wages के या Labour Law के, तो please मेरे channel Education Panacea के Labour Law के playlist में जाएं और please बहुत सारी videos आपको मिल जाएगी, around 45 videos आपको मिलेंगी। फैक्ट्रीज एक्ट पे कंटेंट मिलेगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पे मिलेगा, जजमेंट्स मिलेंगी आपको, मिनिमम वेजेस हैं, ग्रेच्युटी है, आपको कोड ऑन वेजेस के चार पार्ट मिल जाएंगे, तो आपको सफिशिएंट प्रोविजन मिल जाएगा। तो आज शुरू करते हैं हम सेक्शन 42 से, हम कोड ऑन वेजेस का पार्ट 5 बना रहे हैं आज, जिसमें आज हम सेक्शन 42 डिस्कस करेंगे। जिन्होंने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा कोड ऑन वेजेस पे, उसमें मैंने डेफिनेशंस जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब एडवाइजरी बोर्ड की बात आएगी तब मैं सेक्शन 42 आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज हम उसी एडवाइजरी बोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं कि एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है और इसका रेलेवेंस क्या है कोड ऑन वेजेस के अंदर वेजेस को फिक्स करने के लिए। तो एडवाइजरी बोर्ड में सबसे पहली चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही एडवाइजरी बोर्ड सेटअप करते हैं। सेंट्रल जो एडवाइजरी बोर्ड सेटअप करती है उसको हम कहते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, और स्टेट गवर्नमेंट जो करेगी उसको स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, उसका आगे चलेंगे। अब देखिए, ये एक एडवाइजरी बोर्ड सेटअप करेगी जिसमें एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। मैंने आपको बताया था कभी भी कोई बोर्ड बनता है तो दोनों के रिप्रेजेंटेटिव, दोनों के इंटरेस्ट देखने वाले लोग होने चाहिए, और इन दोनों का जो नंबर है वो दोनों इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखना। इन दोनों के हमेशा इक्वल नंबर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इंडिपेंडेंट पर्सन वो लोग होते हैं जिनका इन ना एम्प्लॉय से कोई लेना देना है ना ही एम्प्लॉयर से कोई लेना देना है। इनकी जो संख्या है वो मैक्सिमम 1/3 होनी चाहिए बोर्ड की, बोर्ड मेंबर्स जितने हैं उसका मैक्सिमम 1/3 ये इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे। चौथा, 5 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट के भी होंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स के, ताकि स्टेट गवर्नमेंट अपनी बात रख पाए। तो स्टेट, ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है तो इसमें 5 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, मगर नॉमिनेट स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती, नॉमिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, चीज ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो बोर्ड बना, ये जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बना, इसमें 1/3 मेंबर्स जो हैं आपके वो वुमेन होनी चाहिए। इसका मतलब हम यहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं और वुमेन पार्टिसिपेशन के फेवर में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 1/3 मेंबर वुमेन होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड CAB, इसका चेयरपर्सन किसमें से सेलेक्ट किया जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसका जो चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा वो इंडिपेंडेंट पर्सन वाले जो मेंबर है ना उनमें से अपॉइंट किया जाएगा, ना कि एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव और ना ही एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव। मतलब चेयरपर्सन जिस बोर्ड का होगा वो इंडिपेंडेंट पर्संस में से ही चुना जाएगा, ना कि किसी और में से। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब सवाल आता है कि आपने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का गठन तो कर दिया, उसको बना दिया, लेकिन इसका काम क्या है, ये किस तरीके के काम करती है, क्या एडवाइस करती है, तो उस पर आते हैं। सबसे पहली एडवाइस करती है फिक्सेशन और रिविजन ऑफ मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस को फिक्स करना और रिवाइज करना, मैंने बताया था 5-5 साल पे रिवाइज होता है, तो उसके रिगार्डिंग ही बात करती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे इंक्रीज हो, उसके रिगार्डिंग एडवाइस देती है गवर्नमेंट को, किसके लिए, वुमेन के लिए, ध्यान रखना। तीसरा, किस हद तक आप किसी वुमेन को एक एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एम्प्लॉय कर सकते हैं, वुमेन की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या बनती है उस पे बात करना। उसके बाद इस लॉ के रिगार्डिंग अदर मैटर्स डील करना, ये जो कोड है इसके अदर मैटर्स के रिगार्डिंग भी चाहे तो एडवाइस कर सकती है, प्रोसीजर डिस्कस कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कह सकती है कि आपको जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या फॉलो करना है। तो अब सवाल आता है कि जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने जो भी रिकमेंडेशन, जो भी एडवाइस दी, गवर्नमेंट उस एडवाइस को कंसिडर करती है, और कंसिडर करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस इशू कर देती है स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो हो गया आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। अब आता है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का रोल। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कमिट कर दिया और गठन कर दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का गठन करती है,
स्टेट एडवाइजरी बोर्ड जिनका सेम काम है जो मैंने आपको अभी बताया, वही रिवीजन करना, आप फिक्सेशन करना इन वुमेन के लिए एम्प्लॉय, मतलब वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटी अपने स्टेट में इंक्रीज करना, ये सारा सेम काम होता है। सिमिलरली इसके अंदर भी एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ईआर मतलब एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं 1/3, ठीक है। इसके अंदर भी वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 1/3 होनी चाहिए। इसके अंदर भी जो चेयरपर्सन अपॉइंट होता है वो कहां से होगा, इंडिपेंडेंट पर्सन वाले जो मेंबर है इसमें से अपॉइंट किया जाता है। अब सवाल आता है कि क्या स्टेट एडवाइजरी बोर्ड जो है क्या वो अपनी कमेटी और सब कमेटीज बना सकती है, क्या वो अपनी कमेटी और सब कमेटी, कमेटी के अंदर भी कमेटी, दैट इज कॉल्ड सब कमेटी, क्या वो अपनी कमेटी और सब कमेटी बना सकती है और बेटर फंक्शनिंग के लिए, फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग क्या इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए कमेटी का गठन हो सकता है? यस, द आंसर इज यस। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड कमेटी के लिए जो है इफेक्टिव, मतलब इसके लिए और बेटर फंक्शनिंग के लिए कमेटी का गठन कर सकती है। अब सवाल आता है कि जो वुमेन के कंसर्न जो है कि वुमेन के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को किस तरीके से बढ़ाई जाए, एस्टैब्लिशमेंट में और ज्यादा जॉब कैसे दिया जाए, तो उसमें हम बहुत कुछ कंसीडर करते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ वर्क क्या है, नंबर ऑफ आवर वुमेन को कितना काम करना बेटर रहेगा, कितना उसके लिए सुटेबल रहेगा, क्या सुटेबल रहेगा, सुटेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि वुमेन किस सेक्टर में ज्यादा बेटर काम कर पाएगी, तो ये सारे फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं जब हम ये इस बात पे डिस्कस करते हैं कि वुमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किस तरीके से बढ़ाई जाए। और रूल सेम है, स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट एडवाइजरी बोर्ड एडवाइस देगी और स्टेट गवर्नमेंट जो एडवाइस लेगी तो उस केस में अपना फिर आगे वो डायरेक्शन इशू करती है। अब देखिए जो कमेटी होती है इसके अंदर और जो सब कमेटी होती है इनका अपना ही रेगुलेटिंग प्रोसीजर होता है, ये अपना प्रोसेस कि ये कमेटी कैसे चलेगी, कमेटी का टाइम कितना होगा, कमेटी की रिपोर्ट कैसे बनेगी, ये प्रोसेस ये अपना खुद रेगुलेट करते हैं, ये प्रोसेस अपना खुद बनाते हैं। तो ये आपका है सेक्शन 42। और लास्ट में जो टर्म है इस, मतलब कि ये एडवाइजरी बोर्ड कब तक रहेगी, इसका टर्म कौन डिसाइड करेगा, ये टर्म सरकार डिसाइड करती है, सरकार इसको प्रिस्क्राइब कर देगी, ये 6 महीने का होगा, 1 साल का होगा, 2 साल का, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो ये गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है। तो दिस इज योर सेक्शन 42 विच टॉक्स अबाउट द एडवाइजरी बोर्ड इन द कोड ऑफ वेजेस। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 43, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर है, अब यहाँ पे हम पेमेंट ऑफ ड्यूज क्लेम और ऑडिट की बात करेंगे कि जो एम्प्लॉय के ड्यूज होते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कलर चेंज करने, हाँ जी, देखिए सेक्शन 43 कहता है कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो सारे अमाउंट जो भी ड्यू है किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, वो उसको पे करे, पॉइंट नंबर 1। अब लेट सपोज कि एम्प्लॉयर ने नहीं पे किया, फेल्स टू पे, तो उस केस में अगर वो एक कंपनी है या वो कोई फर्म है या वो कोई एसोसिएशन है तो उसका जो भी मालिक होगा, प्रोप्राइटर होगा या ओनर होगा उसको पे करना पड़ेगा, दैट पर्सन शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द अमाउंट। एम्प्लॉयर अगर नहीं है, मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो एम्प्लॉयर कंसीडर होता है, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन आपको बताई थी मैंने पहली वीडियो मेरी कोड ऑफ वेजेस पार्ट 1 देख लीजिए, कि अगर किसी फैक्ट्री में मैनेजर है वो एम्प्लॉयर कहलाता है, ऑक्यूपायर एम्प्लॉयर हो सकता है, तो उस केस में अगर वो पैसा नहीं देते तो उसका जो मालिक है वो सीधा पैसा पे करेगा। सेक्शन 43 क्लियरली इस बात को कहता है। अब चलते हैं सेक्शन 44 की तरफ। अब जो सेक्शन है वो ज्यादा टेक्निकल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड वाला एरिया था वो मैं आपका ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ पहले 4 पार्ट। सेक्शन 44 बात करता है कि फर्ज करिए कि अमाउंट पेएबल था एम्प्लॉय को और वो एम्प्लॉयर पे नहीं कर पाया, बिकॉज वो जो एम्प्लॉय था वो मर गया। अब वो पैसा जो उसके हिस्से का है वो किसको दिया जाएगा, तो पॉइंट नंबर 1, उसके नॉमिनेटेड पर्सन को, जो एम्प्लॉय का उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका बेटा हो सकता है, बहू हो सकती है, बीबी हो सकती है,
तो उस केस में जो भी नॉमिनेटेड पर्सन है उसको दिया जाएगा। फर्ज करिए इंप्लॉई ने किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया था, इंप्लॉई मरने से पहले किसी को नॉमिनेट नहीं किया और उसको कम से कम 50,000 रुपए मिलने थे एम्प्लॉयर से। अब ये 50,000 रुपए किसको देगा एम्प्लॉयर? ये 50,000 रुपए एम्प्लॉयर अथॉरिटी को जमा करा देगा और अथॉरिटी फिर देखेगी कि ये पैसा किसको देना है। ध्यान रखना, तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी एम्प्लॉय के मरने से खत्म नहीं हो जाती। सेक्शन 44 ये कहता है कि अगर एम्प्लॉय के का कुछ पैसा बनता है और उसको नहीं दे पाई, क्यों नहीं दे पाई, उससे पहले उसकी मौत हो गई, तो उस केस में या तो जो नॉमिनेटेड लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको दे दो, अगर कोई भी नॉमिनेटेड नहीं है तो अथॉरिटी जो है इस कोर्ट के अंदर सरकारी जो ऑफिस है उसमें जाके जमा करा दो और बता दो कि किस पर्पस के लिए किसके नाम पे है, वो अपना फिर देख लेंगे, फिर आपको इतनी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब सवाल आता है कि जब आपने पैसा अथॉरिटी को जमा करा दिया, नॉमिनेटेड अमाउंट दे दिया, तो क्या एम्प्लॉयर डिस्चार्ज हो गया? यस, जैसे ही पैसा उसने चुका दिया एम्प्लॉयर अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया। ये चीज ध्यान रखना, एम्प्लॉयर अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया। अब चलते हैं सेक्शन 45 की तरफ। सेक्शन 45 बात करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटीज को अपॉइंट करती है, एक या एक से ज्यादा जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जो पावर है वो अथॉरिटीज को अपॉइंट करने की है, यही अथॉरिटीज फिर सारे जो डिस्प्यूट क्लेम होते हैं इस कानून में जो आने वाले वक्त में आएंगे, जो लेबर्स के, एम्प्लॉयर्स के, वर्कर के, एम्प्लॉय के जो डिस्प्यूट आएंगे वो सारे वो अथॉरिटी, वो जो क्लेम है वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी। मतलब जो क्लेम है, जो डिस्प्यूट है, इसको डिसाइड करने का काम अथॉरिटी करेगी जिसको इस वाले कानून में अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल, अथॉरिटी क्लेम के अलावा, मतलब कि अदर देन क्लेम, क्या कंपेंसेशन ऑर्डर कर सकती है? कंपेंसेशन ऑर्डर कर सकती है, द आंसर इज यस। कितना? 10 times। ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लेम के अलावा अथॉरिटी के पास ये पावर है कि अथॉरिटी आपका 10 times के आसपास अलाउ क्लेम, जो जितना भी क्लेम डिटरमाइन हुआ है उसका 10 times कंपेंसेशन एडिशन ऑफ द क्लेम, मतलब क्लेम के अलावा भी दे सकती है। और ध्यान रखना कि लेट सपोज अथॉरिटी के पास कोई क्लेम आया तो अथॉरिटी हैज द टाइम ऑफ 3 months, फिर से आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 महीने का पीरियड है अथॉरिटी के पास किस चीज को सेटल करने का, क्लेम को सेटल करने का। अब फर्ज करिए कि अथॉरिटी ने ऑर्डर कर दिया और इंप्लॉयर अभी भी पैसा नहीं देगा, तो उस केस में एक उपाय है, एक तरीका है, मैं बता देता हूं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जो कलेक्टर साहब होते हैं ना, कलेक्टर साहब को एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशू किया जाता है, कलेक्टर कह लीजिए, आईएएस ऑफिसर होता है, ध्यान रखना, इनको एक जो सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी है वो दिया जाएगा। और जैसे वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं ना लोगों से, लैंड पे जो जितना रेवेन्यू, जितना टैक्स होता है वो कलेक्ट करते हैं, ये डीएम साहब जाएंगे और उस एम्प्लॉयर से, वो जहां भी जिस भी एस्टैब्लिशमेंट में काम करता है उस मैनर में, लैंड रेवेन्यू के मैनर में वो पैसा भी क्लेम करके लाएंगे, वो पैसा भी कलेक्ट करके लाएंगे जो की अथॉरिटी ने क्लेम डिसाइड किया हुआ है। अथॉरिटी को क्लेम डिसाइड करने का कितना टाइम मिलता है? 45 में क्या कहा मैंने, 3 महीना मिलता है। क्या अथॉरिटी कंपेंसेशन दे सकती है? कितना हद तक दे सकती है? 10 times तक दे सकती है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। सेक्शन 45 में हुआ, हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द अथॉरिटी। ये अथॉरिटी वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूं, यहां पे लेबर कमिश्नर सी होते हैं, किसी भी नाम से जाना जा सकता है, डिप्टी लेबर कमिश्नर हो सकता है, लेबर कमिश्नर हो सकते हैं। कौन कौन अथॉरिटी के पास क्लेम की एप्लीकेशन लगा सकता है? एम्प्लॉय लगा सकता है, लगा दीजिए। ट्रेड यूनियन लगा सकती है, ट्रेड यूनियन का क्या कानून है, ट्रेड यूनियन कैसे ऑपरेट करती है, मेरे लेबर लॉ की प्लेलिस्ट में पहले ही 4 videos मैंने ट्रेड यूनियन के कानून पे पूरा बनाया हुआ है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर,
ये बंदा भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ध्यान रखना इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, पहले वर्ड जो होते थे जो लेबर लॉ में वो इंस्पेक्टर होता था, इस बारे नया एडिशन कर दिया, इसकी अथॉरिटी और जो पावर्स को थोड़ा सा वाइडन कर दिया है, तो इसीलिए अब यहाँ पे हम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की बात कर रहे हैं। सवाल नंबर दो, मैं सेक्शन 45 में ही हूँ। कैन अ सिंगल एप्लीकेशन, मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में लॉ समझा रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा आसानी से समझ में आए, बी फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ मोर देन वन एम्प्लॉइज, मोर देन वन एम्प्लॉय, क्वेश्चन है ये पूछा मैंने आपसे क्वेश्चन, ये सारा सेक्शन 45 के रिगार्डिंग की बात करूंगा आपसे। तो इसका आंसर है यस, एक सिंगल एप्लीकेशन दीजिए, लॉ कहता है 45 में कि फाइल अ सिंगल एप्लीकेशन इस सेक्शन के अंदर और कितने भी इंप्लॉयज के रिगार्डिंग उस एस्टैब्लिशमेंट में आप दे सकते हैं, 10 एम्प्लॉय, 5 एम्प्लॉय, 15 एम्प्लॉय, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट, क्या लिमिटेशन पीरियड है एप्लीकेशन फाइल करने का? 3 years फ्रॉम द डेट when claim arises, when claim arises, इसका मतलब जब आपका cause of action, वैसे जब आपको मोटा मोटा अगर जो civil matters के बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा या जिन्होंने CPC पढ़ी होगी या limitation act पढ़ा होगा तो उनको idea होगा कि civil suit में usually 3 साल का time होता है जब आपका cause of action arise होता है, तो जब आपका claim बनता है वहां से 3 साल के अंदर अगर आपने application नहीं डाली तो आपकी application bar हो जाती है, time bar कहते हैं, उस पर limitation का law लग जाता है। तो limitation period है कि 3 साल में एक वाजिब आपको समय दिया गया है कि आपको अगर वो क्लेम है तो 3 साल के अंदर आके अपना क्लेम वसूल लीजिए। सवाल आता है कि ये क्लेम को इस 3 साल को एक्सटेंड किया जा सकता है पीरियड को, तो सफिशिएंट रीजन देके अगर कोर्ट को अथॉरिटी को लगता है कि रीजन सफिशिएंट है इसलिए 3 साल में फाइल नहीं किया था तो एक्सटेंड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो अथॉरिटी वर्ड 45 में मैंने आपको बोला, इस अथॉरिटी वर्ड जो अथॉरिटी है इसके पास सारी सिविल कोर्ट की पावर होती है। सिविल कोर्ट की पावर क्या क्या होती है? एविडेंस एग्जामिन कर सकती है, समन कर सकती है, किसी को विटनेस को बुला सकती है, विटनेस से एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है, कमीशन इशू कर सकती है, ये सारी पावर सिविल कोर्ट की होती है। तो जो सिविल कोर्ट की पावर है, अथॉरिटी जब क्लेम को डिसाइड करती है तो वो सारी पावर उस अथॉरिटी के पास भी होती है, सेक्शन 45 क्लियरली ये बात मेंशन करता है। अब चलते हैं 46 की तरफ। सेक्शन 46 कहता है कि लेट सपोज डिस्प्यूट हुआ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, ईआर मतलब एम्प्लॉयर, ई मतलब एम्प्लॉय, ठीक है, और वो डिस्प्यूट है बोनस के रिगार्डिंग, फिक्सेशन ऑफ बोनस या फिर एलिजिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। एम्प्लॉय कह रहा है जी मेरे तो 30 दिन हो गए मैं तो एलिजिबल हूं या फिर मेरा अमाउंट इतना नहीं बनता, बोनस का ज्यादा बनता है, तो उस केस के अंदर वो जो डिस्प्यूट है लॉ उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानेगा। ध्यान रखना स्पेसिफिकली सिर्फ बोनस के रिगार्डिंग बात की गई है और किसी के रिगार्डिंग नहीं, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का अपना कानून है, उसका अपना प्रोसीजर है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के अंदर जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन है, तो लॉ सेक्शन 46 का ये कहता है कि अगर आपका फिक्सेशन ऑफ बोनस, अगर आपका एलिजिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ बोनस या फिर पब्लिक सेक्टर में भी बोनस के रिगार्डिंग अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, तो कानून उसे उस डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानेगा, भले ही वो किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय का ही क्यों ना चल रहा हो। वैसे भी आज के टाइम में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इंडिविजुअल एम्प्लॉय का हो जाता है, तो ये चीज 46 में बहुत ध्यान रखने वाली है। अब चलते हैं 47 पे। 47 कहता है कि जब सेक्शन 45 में प्रोसीडिंग चल रही हो, जो मैंने अथॉरिटी वाली बात बोली है 45, या फिर सेक्शन 49 में प्रोसीडिंग चल रही है, अपीलेट अथॉरिटी है, अथॉरिटी के केस का अपील यहां पे होता है अपीलेट में, अभी 49 पे आऊंगा तो बताऊंगा मैं अपील कैसे होती है, या फिर ट्रिब्यूनल में कोर्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में चल रहा हो मैटर, या लेबर के स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल में चल रहा हो, या फिर आर्बिट्रेटर के पास मैटर चल रहा हो, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आर्बिट्रेटर रेफर्ड है उनमें चल रहा हो,
और उसमें डिस्प्यूट के अंदर कंपनी की जो बैलेंस शीट है, उस एस्टैब्लिशमेंट की जो बैलेंस शीट और पीएनएल है वो ऑडिटेड है, प्रॉपरली वो ऑडिटेड है, तो एम्प्लॉय उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। एम्प्लॉय कैन नॉट क्वेश्चन दैट, मतलब उसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं करेगा। अगर वो बैलेंस शीट, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉपरली ऑडिटेड है, और ध्यान रखना ऑडिट के लिए कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इस्तेमाल होते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 141 कि उसे या तो ऑडिटर की टीम ने ऑडिट किया है, या फिर अगर कोई सरकारी कंपनी है तो सरकारी कंपनी का ऑडिट करती है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सरकारी पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, तो सीएजी ने अगर ऑडिट किया है, या फिर अगर कोई प्राइवेट फर्म है तो ऑडिटर्स ने ऑडिट किया है उसे सेक्शन 141 के रिगार्डिंग, तो जो भी बैलेंस शीट, जो भी पीएनएल है, तो उसको जरूरी नहीं है उसकी एक्यूरेसी को प्रूव करना, एक्यूरेसी को प्रूव करना जरूरी नहीं है, ध्यान रखो, क्योंकि कानून वो पहले से अज्यूम कर रहा है कि अगर वो ऑडिटेड है तो मतलब वो ठीक है। मगर इसमें भी एक कैच, कैच क्या है कि फर्ज करिए अथॉरिटी को लगा, या फिर ट्रिब्यूनल के पास मैटर है उसको लगा, या फिर आर्बिट्रेटर को लगा कि कुछ ना कुछ अकाउंट्स में गड़बड़ है, अकाउंट्स में कुछ डाउटफुल है, तो उस केस में उसकी एक्यूरेसी पता करने के लिए वो ऑर्डर दे सकता है, ये चीज है। अदर देन दैट जनरल केसेस में अगर मैं बात करूं तो जनरल केसेस में जब भी कोई डिस्प्यूट होता है और आप अगर अपना ऑडिटेड अकाउंट सबमिट करते हो तो दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू चैलेंज, बट अगर कुछ ऐसा आइटम है, कोई ऐसा पर्टिकुलर आइटम मिल गया जो एक्यूरेट नहीं लग रहा, तो उसकी एक्यूरेसी फाइंड करने का अथॉरिटी के पास ऑर्डर होता है, ट्रिब्यूनल के पास ऑर्डर होता है, वो उसकी अथॉरिटी को, एक्यूरेसी को चैलेंज कर सकती है। दूसरा पॉइंट कि लेट सपोज अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन डाली, या तो ट्रेड यूनियन ने या फिर एम्प्लॉयज ने, कि किसी पर्टिकुलर आइटम ऑफ बैलेंस शीट या पीएनएल अकाउंट पे डाउट है। अभी मैं सेक्शन 47 में ही हूं तो इसलिए प्लीज ध्यान से इसको सुने कि किसी आइटम ऑफ बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कोई डाउट है, उसमें लग रहा है कि कोई जो पर्टिकुलर आइटम है ना उसके रिगार्डिंग जरा हमें क्लैरिफिकेशन दे। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं। फर्ज करिए आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी 500 करोड़ की दिख रही है, मगर एम्प्लॉय बोल रहे हैं कि सर हमारे यहां तो प्लांट एंड मशीनरी 5 करोड़ की वैल्यू की भी नहीं है, आके देखिए। तो उस केस में जो ट्रेड यूनियन वाले हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उन्होंने क्वेश्चन रेज कर दिया, बोला कि सर जरा हमें ये क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाए ना कि क्या इस फैक्ट्री के अंदर, क्या इस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर सही में 500 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी है या नहीं है। तो अगर उस तरीके के क्लैरिफिकेशन की डिमांड करी जा रही है तो ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी के पास ऑर्डर है, मतलब पावर है कि उस केस में अथॉरिटी या फिर आपके ट्रिब्यूनल क्लैरिफिकेशन के लिए ऑर्डर दे सकती है, मगर उस ऑर्डर में जो भी निकल के आएगा वो फिर एज्यूम किया जाएगा, ध्यान रखना। तो क्लैरिफिकेशन के लिए ऑर्डर दे सकती है और फिर कंपनी को बात माननी पड़ेगी, एस्टैब्लिशमेंट को बात माननी पड़ेगी। तो ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट सेक्शन 48 पे आ जाते हैं। सेक्शन 48 47 से मिलता जुलता, बट ये बस ये स्पेसिफिक किसी एक पॉइंट पे डील कर रहा है। सेक्शन 47 जो था वो जनरल सारे पॉइंट पे, सारे डिस्प्यूट पे डील कर रहा था, सेक्शन 48 सिर्फ एक किस्म के डिस्प्यूट पे डील करेगा। सेक्शन 48 से डील करता है बोनस के डिस्प्यूट, कि अगर बोनस के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है, अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन गई हुई है, या फिर ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन गई हुई है, या आर्बिट्रेटर के पास केस गया हुआ है, और कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिटेड हैं ऑलरेडी, किसने ऑडिट किया है, ऑडिटर ऑलरेडी ऑडिट कर चुका है, तो उस केस में हमें कोई जरूरत नहीं है ये एज्यूम करने की कि वो गलत है, मतलब हम ये एज्यूम करेंगे
कि वो एक्यूरेट है। जो सेक्शन 47 में मैंने बात बताई सेम एक्चुअली में अप्लाई 48 में अप्लाई हो जाएगा। 47 और 48 में तो फर्क नहीं है, बस 48 बोनस के स्पेसिफिक पॉइंट पे डील करता है, 47 जनरली हर किस्म के डिस्प्यूट पे डील करता है जो कि इस कानून के अंदर अराइज होगा। दूसरा पॉइंट कि लेट सपोज कि ये बोनस के रिगार्डिंग कि कोई पर्टिकुलर अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं है, ऐसा क्लेम किया या तो ट्रेड यूनियन ने या फिर इंप्लॉय ने कि अथॉरिटी के पास ऐसा, मतलब अथॉरिटी को लगा कि कोई पर्टिकुलर जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिटेड नहीं है, तो उस केस में उस अकाउंट्स को ऑडिट करा दिया जाएगा, बस खत्म, अथॉरिटी उसको ऑडिट करा देगी, अथॉरिटी उसको ऑडिट करा देगी, सिंपल। ये प्रोविजन मैं आपको 47 में भी बता चुका हूं। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 49, सेक्शन 49 बना है अपील के लिए कि भाई अगर आप अथॉरिटी से खुश नहीं हो, अथॉरिटी के ऑर्डर से खुश नहीं हो, अथॉरिटी के फैसले से खुश नहीं हो, डिसीजन से खुश नहीं हो, तो फिर आप कहां जाओगे? तो उसका जाने का जो रास्ता है ना, मतलब 45 का ऑर्डर, 45 में जो डिस्प्यूट था, 47 में जो डिस्प्यूट था, 48 में जो डिस्प्यूट है, इन सब का अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो इनसे तो कहां जाओगे? तो उसके लिए रास्ता बना है, खिड़की बनी है, दरवाजा बना है सेक्शन 49। सेक्शन 49 डिस्कसेस अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द अपील कि अपील आप कहां कर सकते हो, किसके पास कर सकते हो। तो अगर आप सेक्शन 45 क्लॉज 2 के ऑर्डर से एग्रीव्ड हो, अगर इसमें जो ऑर्डर पास किया गया है सेक्शन 45 के अंदर, मैंने अभी आपको डिस्प्यूट बता दिया था, तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जाइए, अपील करिए जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखी है, लेबर कमिश्नर, कमिश्नर से ऊपर भी सीनियर कमिश्नर होगा, उसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होगा, दैट इज द अपीलेट अथॉरिटी। लेकिन यहां पे लिमिटेशन पीरियड ध्यान रखना, विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। यह आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर से विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। Within 90 days आपको जाना पड़ेगा और आपको अपील करनी पड़ेगी, मगर आप अगर चाहें तो 90 days के बाद भी अपील कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और अपना सफिशिएंट रीजन सबमिट करना पड़ेगा कि अगर अथॉरिटी को लगेगा कि आपका सफिशिएंट रीजन है तो आपको कर दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि इस अपीलेट अथॉरिटी के अंदर जो ऑफिसर होगा वो कौन होगा? तो ध्यान रखना, वो ऑफिसर एटलीस्ट एक रैंक सीनियर होना चाहिए, वन रैंक सीनियर होना चाहिए अथॉरिटी वाले ऑफिसर से एक रैंक सीनियर होना चाहिए मिनिमम। कि मतलब मान लो लेबर कमिश्नर अथॉरिटी है तो अपील जब जाएगी तो वो सीनियर लेबर कमिश्नर के पास चली जाएगी, जॉइंट लेबर कमिश्नर के पास चली जाएगी, मतलब जो भी सीनियर अथॉरिटी, कम से कम एक रैंक तो सीनियर होना ही चाहिए, दो रैंक भी सीनियर हो सकता है मगर कम से कम एक रैंक तो मिनिमम सीनियर होना चाहिए। अब चलिए साहब, अपील आ गई, अब अपील को डिस्पोज मतलब खत्म कब तक किया जाएगा उसका भी टाइम है। सरकार ने कह दिया कि आप अपील को विद इन 3 months सेटल करिए, 3 महीने के अंदर ही आप अपनी अपील को सेटल करेंगे, ये आपको ऑर्डर दे दिया गया। अब लेट सपोज कि आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑर्डर आ गया, आउटस्टैंडिंग ड्यूज है अभी एम्प्लॉयर ने पे नहीं किया, अपील ने भी, तो उसको वही सिमिलरली सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी वाला मेथड मैंने बताया ना, कलेक्टर साहब को एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी दे देंगे, बोलेंगे साहब आप जरा कलेक्टर दिला दो, इसको डीएम साहब को या कलेक्टर जो भी बोलिए आईएएस ऑफिसर होते हैं, सिमिलरली उसी मेथड में हम रिकवरी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया सेक्शन 49 फिनिश। आप चलते हैं सेक्शन 50 और सेक्शन 51, जिसके बाद लास्ट की क्लास आपकी रैप हो जाएगी, उसके बाद सिर्फ एक पार्ट बचेगा और पूरा का पूरा कोड ऑन वेजेस एंड आपका कोड ऑन वेजेस 2019 खत्म हो जाएगा। एंड आई गारंटी यू कि पूरे यूट्यूब पे कोड ऑन वेजेस पे इतनी बड़ी वीडियो या पूरा एक्सप्लेन सेक्शन बाय सेक्शन किसी भी वीडियो में नहीं किया गया है, तो आपको एक एक कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए सेक्शन 50 में चलते हैं। सेक्शन 50 कहता है कि एम्प्लॉयर को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा,
इम्प्लॉयज का रजिस्टर होगा, उसमें उसको कितनी वेजेस होती है वो इम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो नोटिस लगाए एस्टैब्लिशमेंट में जिसमें डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस मेंशन हो, डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस मेंशन हो। इम्प्लॉय की जिम्मेदारी बनती है कि वो एड्रेस भी मेंशन करे इंस्पेक्टर साहब का कि यहाँ के इंस्पेक्टर कौन है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल, उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट, ये सब बताए कि अगर मान लीजिए कल को शिकायत है इम्प्लॉयज को तो वो अपने इंस्पेक्टर साहब को कॉल करके वो चीज कर सकती है। इम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि वो वेज स्लिप इशू करे। वेज स्लिप मतलब भाई सैलरी दिए तो रसीद इशू करोगे ना, तो वेज स्लिप इशू करे। इम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वेज स्लिप इशू कर दिया। आप फर्ज करिए किसी एग्रीकल्चर में या फिर डोमेस्टिक पर्पस मतलब फैमिली अफेयर घर के काम के लिए अगर आपके पास मैक्सिमम 5 ही इम्प्लॉयज हैं, 5 से ज्यादा इम्प्लॉयज आपके पास नहीं है, 5 इम्प्लॉयज हैं तो आपको वेज स्लिप नहीं इशू करनी है। वेज स्लिप आपको इशू नहीं करनी, ये चीज आप ठीक है आगे चलते। सेक्शन 51 इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। 51 सिंपल छोटी छोटी चीजों पर बात करता है कि उसकी पावर, हर इंस्पेक्टर को जुरिस्डिक्शन होती है जो गवर्नमेंट बताती है कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन कितनी है और वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन में ही अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। लेट सपोज कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन में टाटा इंडस्ट्रीज आती है तो आप वहां के इंस्पेक्टर बन सकते हो। मान लो रिलायंस की इंडस्ट्री आपके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती तो रिलायंस में जाके जांच नहीं कर सकते, वो आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये नया पॉइंट डाला गया, ये पहले नहीं हुआ करता था, वेब बेस्ड इंस्पेक्शन कि मतलब ऑनलाइन भी आप जांच कर सकते हो, इम्प्लॉयर के बारे में जान सकते हो। तो वेब बेस्ड इंस्पेक्शन की बात अब नया कोडर वेजेस पर डाली गई है जो कि पहले नहीं थी। दूसरा, रैंडमाइज्ड सिलेक्शन ऑफ इंस्पेक्शन, कि रैंडम आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको कैसे करना है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपको बताएगी, इसकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, अगला, ये जो इंस्पेक्टर साहब है ये सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंदर की डेफिनेशन पब्लिक सर्वेंट जो होती है वहां पे डेफिनेशन है, उस पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं। क्यों यहां पे पब्लिक सर्वेंट वर्ड का इस्तेमाल कर दिया गया कि कल को कोई इंस्पेक्टर की बात नहीं मानेगा, उसके ऑर्डर्स को नहीं मानेगा, तो उसके लिए अलग से प्रोविजन बना हुआ है इंडियन पीनल कोड में कि अगर आप पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को वायलेट करते हैं तो उस केस में आपको 6 महीने की किसी केस में, 1 साल के किसी केस में, 2 साल की जेल, अलग अलग जेल जाना पड़ सकता है। इसीलिए ये पब्लिक सर्वेंट होता है जो इंस्पेक्टर सेक्शन 51 ऑफ कोड ऑफ वेजेस पे अपॉइंट होता है उसको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। अब सवाल आता है कि इंस्पेक्टर का काम क्या है। इंस्पेक्टर एडवाइस कर सकता है इंप्लॉयर्स को, वर्कर्स को कि कैसे कैसे इस कानून के प्रोविजन को फॉलो करना है। वो एस्टैब्लिशमेंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, जो बिजनेस है, जो कंपनी है उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। अगला, वो क्वेश्चन कर सकता है वर्कर से एस्टैब्लिशमेंट के किसी भी चीज के रिगार्डिंग। हाँ जी, टाइम पे वेजेस मिलती है, हाँ जी रसीद दिखाओ, अच्छा तो सारी फैसिलिटीज यहाँ पर ठीक है, अच्छा वे कैसे मिलती है, बोनस का पैसा देते हैं, कब दिया था लास्ट टाइम बोनस का पैसा, तो रसीद, वो बोनस की रसीद दिखाओ, अच्छा बैंक में भेजते हैं, कैश देते हैं, अच्छा आधा कैश देते हैं आधा बैंक में भेजते हैं, तो ये उल्टे सीधे सवाल पूछते ताकि जानकारी, इंस्पेक्टर का काम इंस्पेक्शन करना, तो किसी भी किस्म के सवाल जिससे उसको अपनी जो उसको मतलब की जानकारी वो निकालता है, वो वर्कर से सवाल कर सकता है। उसके अलावा सर्च एंड सीज कर सकता है वो कंपनी के रजिस्टर्स, जो उसको लगता है कि इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस निकाल सकता है या फिर इसमें से कुछ दिक्कत है कि कुछ गड़बड़ किया है कंपनी ने, तो वो कंपनी के जो रजिस्टर्स है उसको सर्च एंड सीज कर सकता है। अगला पॉइंट ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पहले नहीं हुआ करता था, ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ एनी डिफेक्ट और एब्यूज ऑफ लॉ।
मतलब कि अगर इंस्पेक्टर को इंस्पेक्शन करते वक्त लगा कि इस कानून का गलत इस्तेमाल कैसे कैसे होता है, लूप होल क्या है इस कानून में, तो स्टेट गवर्नमेंट का इंस्पेक्टर या सेंट्रल का वो अपना उस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बताएगा, जानकारी देगा कि सर कानून तो बना दिया आप लोगों ने मगर ये लूप होल छोड़ दिया और इस लूप होल का एम्प्लॉयर बहुत गलत इस्तेमाल करता है या फिर एम्प्लॉय बहुत बचे कर जाते हैं, तो लूप होल या डिफेक्ट या किसी भी किस्म का एब्यूज जो इस कानून में कवर नहीं है उसके अंदर उसको लाया जाएगा। तो ये चीज एक नया पॉइंट है जो इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर क्या है कि थोड़े मतलब उसकी खुद की भी जिम्मेदारी बन रही है, उसको एडवाइस देने की पावर दे दी गई, उसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के नोटिस में बात लाने की पावर दे दी गई, तो वो सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं रहा, वो कोई सर्विस अपनी तरफ से भी दे रहा है, तो दैट्स व्हाई उसके साथ हमने वर्ड लगा दिया है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ठीक है, दूसरी चीज, अगर किसी बंदे से कोई डॉक्यूमेंट या कोई इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर ने मांगी है तो उसको देना पड़ेगा और लीगली बाउंड है सेक्शन 175 और सेक्शन 176 इंडियन पिनल कोड कि अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक सर्वेंट मांगता है तो आपको देनी पड़ती है, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट मांगी है जो आपको बताना है जो अमाउंट हो तो आपसे बताओगे, नहीं बताओगे जेल हो जाती है। अगला पॉइंट, इंस्पेक्टर के पास सर्च एंड सीजर की पावर होती है, किसी जगह पे जाके वो छानबीन कर सकता है और वो पावर आपको सीआरपीसी के अंदर मेंशन है, वहां पे सीआरपीसी के अंदर वो पावर मेंशन है, वो वाली पावर इंस्पेक्टर भी एंजॉय करता है। तो ये आपका सेक्शन 51 रैप हो गया। तो आज की वीडियो आपको होगी यही समाप्त, प्लीज मेरे कंटेंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को देखिए देवर लॉ प्लेलिस्ट का वेबर देखिए, और आपका बस एक वीडियो और गोल्डन प्लेलिस्ट पे, उसके बाद आपका दूसरा देवर लॉ है और दूसरा काम डिस्कस करेंगे अपन लोग। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा कंटेंट देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम, थैंक यू वेरी मच।